हल्द्वानी में एमपीबीजी कॉलेज में छात्रों का एक दल बीए बीएससी की एनईपी की पुस्तकें शीघ्र उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठ गया है। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षा मंत्री हर बार आश्वासन देकर चले जाते हैं कि कई बार इस बात को लेकर ज्ञापन भी दिया जा चुका है, इससे महाविद्यालय प्रशासन ही इस बात का संज्ञान में नहीं ले रहा है। परिसर धरने पर बैठे यहाँ छात्रों ने कहा कि महाविद्यालय के शौचालय बदहाल पड़े हैं और कोई भी सुविधा नहीं है। कॉलेज परिसर में सफाई कर्मचारी भी नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था तक नहीं है। वहीं कॉलेज में चारों तरफ गंदगी है। छात्रों ने कहा है कि यदि उनकी मांगें जल्द सुनी नहीं गई तो वे अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नगरी चौपट राजा धन सिंह रावत जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो इस प्रदेश को कहते हैं कि हम एक अच्छा प्रदेश बनाएंगे, शिक्षित प्रदेश बनाएंगे, धामी जी हमारे कॉलेज में आके कहते हैं और हमारे माननीय धन सिंह रावत जी कहते हैं कि हम एनईपी की नई शिक्षा नीति इस कॉलेज में ले आएंगे। अभी तक बच्चा बेहाल हो रहा है वहाँ, इन्होंने शिक्षा का ऐसा हाल कर दिया कि छात्र इतना बेहाल हो गया है। हमारी कॉलेज की तीन मांगे हैं, एक एनईपी द्वारा जो बुक्स हमारे कॉलेज में अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, उसकी एग्जाम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अब द्वितीय दोबारा एडमिशन चालू होने के प्रोसेस में है और अभी तक यहाँ कोई बुक तक नहीं पहुँची है और सरकार को इतनी शर्म नहीं है, पूरे प्रदेश भर में इतने धरने हो रहे हैं। महाविद्यालय में लगातार छात्र छात्राओं और छात्र नेताओं द्वारा लगातार इस मामले में ज्ञापन दिया जा रहा है कि एनईपी की पुस्तकें पुस्तकालय में जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं, परंतु महाविद्यालय प्रशासन या शासन द्वारा किसी भी प्रकार का इस मामले में कोई भी निष्कर्ष नहीं लिया गया, तो आज मजबूरन हमें एक दिवसीय धरने में यहाँ पर बैठना पड़ा छात्र छात्राओं के हित को लेकर।